Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss a very important topic. वो कौन सी छह बातें हैं जिनको करने से आमतौर पे पेशेंट्स की प्रेगनेंसी जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है. ये चीज़ें आमतौर पर एक जर्नल जो है एजुकेशन में आती हैं. बहुत सारे पेशेंट्स को इसका नहीं पता. फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ना करना अर्ली प्रेगनेंसी में. टैबलेट फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म टैबलेट माइफॉल भी मार्केट में मौजूद है. वो पेशेंट्स, इन पर तजर्बा किया गया जिनके बच्चे जो हैं वो शुरू में ज़ाया हो जाते थे, जब उनका चेक किया गया तो उनमें फॉलेट जो है वो कमी आ रही थी. और ये जो कमी है फॉलिक एसिड ना खाने की वजह से, ऐसे बच्चे जो हैं वो उनमें अर्ली एबॉर्शन हो जाते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है ओबेसिटी, वेट गेन. यानी कि वो पेशेंट्स जिनमें अचानक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, यानी प्रेगनेंसी ठहरते ही या प्रेगनेंसी ठहरने वाले जो पिछला महीना है उसमें जिनका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, ऐसा वज़न जो कि फॉर एग्जांपल 10 टू 15 केजी तक उनके वेट इंक्रीज है या इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी लेडीज़ को भी ये नोटिस किया गया कि इनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं. और थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जिन औरतों का एक्सेस वेट लॉस हुआ है, यानी कि वो औरतें जिनका वज़न तेज़ी से कम हुआ है बिफोर कंसीविंग जो है, बिफोर प्रेगनेंसी जो है एक आध महीना, या हमल ठहरते ही जिनका वज़न कम हुआ है, वेट लॉस हुआ है, उनमें भी बहुत देखा गया है कि ऐसी ख़वातीन का जो एबॉर्शन रेट है वो ज़्यादा है और हमल उनका ज़ाया हो सकता है. फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेवल ऑफ स्ट्रेस, कि जो पेशेंट है वो अगर वर्किंग लेडी है तो उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको आराम का टाइम नहीं मिल रहा. फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं लेडीज़, या वो फिजिकली स्ट्रेस है, ऐसी औरतें जो हैं उनके आमतौर पर यही देखा गया है कि उनके एबॉर्शंस ज़्यादा है. इसलिए फैमिली का काम है कि वो अपनी लेडीज़ को एटलीस्ट मेंटली रिलीफ रखें, घर का माहौल बेहतर रखें ताकि बेबी प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके. इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, जो हमारी औरतों में बहुत हद तक ये पॉइंट अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड करना है. उसके बाद आता है बहुत सारी सिस्टमैटिक डिजीजेज जो कि प्रेगनेंसी के साथ चल रही होती हैं, जिनमें फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड का मसला, इवन और भी प्रॉब्लम्स जो कि प्रेगनेंसी के साथ जो है चल रहे होते हैं या वो बिफोर प्रेगनेंसी पेशेंट के साथ हों, तो ऐसी औरतों में भी हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस बहुत ज़्यादा है. इसलिए ये छह चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अवॉइड करें ताकि आप लोगों की प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से ग्रो कर सके. यहाँ पर मैं एक और सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी. बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि जी क्या ड्राई फ्रूट खाने से, फिश खाने से और अंडा खाने से बच्चा ज़ाया हो जाता है? तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दूँ आप सब लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं कि फिश, एग एंड ड्राई फ्रूट्स, इनको इस्तेमाल करने से बच्चा ज़ाया नहीं होता. अगर बच्चा ज़ाया हो रहा है तो या तो बच्चे में कोई डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या फिर ये छह पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं. हाँ, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये बच्चे कितने छोटे होते हैं और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर इनका बचना कितना मुश्किल होता है. तो इन स्लाइड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन बच्चों का लुक आफ्टर करना कितना ज़रूरी है कि ये प्रॉपर ग्रो कर सकें. सो डियर लेडीज़, ट्राई टू बी सेफ, बी हेल्दी. अल्लाह हाफिज़.